रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए फील्ड में एक बहुत मजबूत कैडर है, करीब 80,000 के आसपास सुपरवाइजर्स, जूनियर इंजीनियर, सीटीआईज, एक ऐसा पूरा बड़ा कैडर है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे लिए सबसे मजबूत, जो ग्रास रूट्स पे काम करने वाले टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर एक तरह की जो बड़ी फंक्शनैलिटीज हैं उन सबको करने वाले ये कैडर है। इस कैडर में एक लंबे समय से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टैग्नेशन की। एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद में उनके पास और कोई प्रमोशन की एवेन्यूज नहीं थी, और आजकल जिस तरह से क्वालिफाइड लोग आते हैं हमारे पास, वो कुछ समय के बाद में अगर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके से डिसोनेंस सा हो रहा था। तो उस पॉइंट को टेकअप किया गया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। उन्होंने दोनों ने एक बहुत ही ह्यूमेन अप्रोच लेके और बहुत ही रैशनल अप्रोच लेके ये कई वर्षों पुरानी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया कि जो लोग सुपरवाइजर कैडर में थे उन सब के लिए पे अपग्रेडेशन का एक नया स्कोप बनाया। कैसे बनाया कि लेवल 6 तक जा सकते थे, लेवल 6 तक जाने के बाद में केवल ग्रुप बी में सिलेक्शन का प्रोसेस रहता था। तो सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बहुत ही कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाती थी। पे अपग्रेडेशन से करीब करीब जितने भी हमारे ये 80,000 के आसपास, 80,000 प्लस जितने सुपरवाइजरी कैडर के कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं, उन सब को लेवल 7 और लेवल 8 में तो करीब करीब सभी को जाने का मौका मिल जाएगा। और जिस तरह का अनुमान है उसमें बहुत सारे लोग लेवल 9 तक भी पहुंचेंगे, यानी ग्रुप ए के ऑफिसर्स के समकक्ष भी पहुंचेंगे। यानी सुपरवाइजरी स्टाफ किस तरह से ग्रुप ए के ऑफिसर तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था अप्रूव हुई है। बहुत ही खुशी की बात है, और फील्ड में इसकी, मैं जहां पर भी फील्ड में जाता था हर जगह मुझे सुपरवाइजरी स्टाफ मिलते थे और सब कहते थे कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे में करना है, कुछ हमारा जो की पोजीशंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये विषय हम लेके गए थे प्रधानमंत्री जी के पास, स्वयं उन्होंने इसमें ध्यान दिया, वित्त मंत्री जी ने स्वयं इसमें ध्यान दिया, और ध्यान देके इस बहुत पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये जानकारी आज आप सबके सामने रखनी थी, और फील्ड के ऑफिसर्स, सारे जनरल मैनेजर्स, डीआरएम्स आज उपस्थित है इसमें कॉल में। मैं आप सबको भी निवेदन करूंगा, टू ऑल द जनरल मैनेजर्स एंड डीआरएम्स, आप भी अपने अपने स्टाफ में, अपने फील्ड में, अपने एरिया में मीटिंग लीजिए और सबको बताइए, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी जिस डिमांड को आज फुलफिल किया गया है। इससे आपके काम में भी एक जो आपकी, आप स्वयं भी इस विषय को हमेशा लाते थे, आपके काम में भी इसमें एक तेजी आएगी और देश भर में रेलवे परिवार में एक नई तरह की खुशी दौड़ेगी।